अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैर आफिस से होंगे। सो नाज़रीन, आज मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जब सिहाब भाई ने पाकिस्तान के अंदर एंट्री करी तो वहां के लोगों ने किस तरह से सिहाब भाई का वेलकम किया। आप भी इस वीडियो को देख के चौंक जाओगे। जब मैंने इस वीडियो क्लिप को पहली मर्तबा देखा तो सच बताऊँ मैं भी चौंक गया। इतने एक्साइटेड है पाकिस्तान के लोग सिहाब भाई को लेके, आप भी देख सकते हो। नाज़रीन, जब सिहाब भाई ने पाकिस्तान के अंदर एंट्री करी तो वहाँ के लोगों ने किस तरह से सिहाब भाई का वेलकम किया, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तफसील से वीडियो दिखाने वाला हूँ और आपको डिटेल से फुल डिटेल्स आपको देने वाला हूँ सिहाब भाई के बारे में। इसलिए नाज़रीन, आपको वीडियो से चिपक के बैठना है और वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और साथ में नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर, जो भी ग्रुप आपके पास अवेलेबल है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जिन लोगों तक फेक न्यूज़ पहुँची है उन लोगों तक सच्चाई पहुँचानी आपकी जिम्मेदारी है। सो नाज़रीन, आप वीडियो के अंदर देख सकते हो किस तरह से सिहाब भाई की मोहब्बत में लोग हज़ारों की तादाद में, जहां भी सिहाब भाई जाते हैं लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं सिहाब भाई को देखने के लिए। बाकी जो ये न्यूज़ है कि सिहाब भाई पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, नाज़रीन आप देख सकते हो किस तरह से सिहाब भाई के साथ पुलिसकर्मी और हज़ारों की तादाद में पब्लिक पीछे पीछे चली आती है। जब आपका नियत, आपका इरादा साफ होता है, आपका इरादा नेक होता है तो अल्लाह भी आपकी गैब से मदद फरमाता है। अब नाज़रीन, हम ये बात कर लेते कि सिहाब भाई क्या वाकई में पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, आपने जब YouTube एप्लीकेशन ओपन करी होगी तो काफ़ी सारी आपने ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर ये दावा किया जाता है कि सिहाब भाई पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। क्या सच्चाई है सिहाब भाई पाकिस्तान कहाँ पहुँचे, हम आपको बताने वाले हैं। सिहाब भाई अभी पाकिस्तान नहीं पहुँचे, अभी इंडिया के अंदर है। बाकी जो ये फेक न्यूज़ है इस पर आपको विश्वास नहीं करना। और साथ में हम सिहाब भाई की आपको एकदम एग्जिट, एकदम करंट लोकेशन बता देते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं सिहाब भाई और अभी कहाँ पर हैं। सिहाब भाई की एग्जिट लोकेशन बताई जा रही है राजस्थान की, अभी सिहाब भाई राजस्थान के अंदर हैं। बाकी आप लोगों के लिए एक वेरी वेरी गुड न्यूज़ ये है, अगर आप सिहाब भाई से मुलाकात करना चाहते हो और आपकी लोकेशन राजस्थान की है तो आप सिहाब भाई से मुलाकात भी कर सकते हो। बाकी जहां भी सिहाब भाई जाते हैं आप देख सकते हो किस तरह से हज़ारों की तादाद में भीड़ सिहाब भाई के पीछे पीछे चली आती है। नाज़रीन गिरामी, आप सभी जानते हैं सिहाब भाई के सफ़र के बारे में। सिहाब भाई का सफ़र कितना लंबा है, इंडिया से पैदल चल के सऊदी अरब मक्का मदीना पहुँचना, हर चीज़ की फैसिलिटी है, हवाई जहाज़ की फैसिलिटी है और भी साधन है, लेकिन अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए सिहाब भाई ने ये अज़्म किया है कि मैं इंडिया से चल के सऊदी अरब जाऊंगा पैदल। नाज़रीन गिरामी, आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि सिहाब भाई डेली पर डे कितना चलते हैं, वो भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे सिहाब भाई डेली पर डे कितना चलते हैं। सिहाब भाई डेली पर डे कम से कम 25 से 30 किलोमीटर डेली पर डे चलते हैं। जब आपका इरादा, आपकी नियत साफ होती है, नेक इरादे से आप अपने घर से निकलते हो तो अल्लाह भी आपकी वहाँ से मदद फरमाता है जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता, अल्लाह आपकी गैप से मदद फरमाता है। नाज़रीन गिरामी, सिहाब भाई को अपने घर से निकले हुए तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का वक्त निकल चुका है, 2 माह से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सिहाब भाई अपने सफ़र पे चलते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सिहाब भाई के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी कि सिहाब भाई के सफ़र में, रास्ते में किसी भी तरह की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। सफ़र काफ़ी लंबा है आप सभी जानते हैं। और नाज़रीन गिरामी, आप सभी देख सकते हो किस तरह से सिहाब भाई के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है लोगों के थ्रू। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ सिहाब भाई जाते हैं कई किलोमीटर दूर तक फूलों की चादर बिछा दी जाती है रोड पर। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है सिहाब भाई की मोहब्बत में लोगों ने छत पे से फूलों की बारिश करी है। बाकी सिहाब भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है और साथ में वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप आपके पास अवेलेबल है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है।
तो नाज़रीन, मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी कि सियाब भाई की एग्ज़िट लोकेशन क्या है। सियाब भाई की एग्ज़िट लोकेशन राजस्थान की। अभी सियाब भाई पाकिस्तान वगैरह नहीं पहुँचे, ये फेक न्यूज़ है, आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। जब सियाब भाई पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, पाकिस्तान की ओर बढ़ेंगे, पंजाब पहुँच जाएंगे, हम आपको लाइव अपडेट कर देंगे, लाइव वीडियो भी दिखा देंगे किस तरह से सियाब भाई का पाकिस्तान के अंदर वेलकम किया गया है। सो नाज़रीन गिरामी, आप वीडियो के अंदर देख सकते हो सियाब भाई के साथ राजस्थान पुलिस कंधे से कंधा मिला के चल रही है और साथ में किसी भी तरह की सियाब भाई को तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सियाब भाई को पुलिस का फुल सपोर्ट है, पुलिस फुल सपोर्ट कर रही है, किसी भी तरह की सियाब भाई को तकलीफ़ ना हो। और साथ में राजस्थान पुलिस ने सियाब भाई से ये अपील करी है कि जब आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, जब आप मक्का मदीना पहुंच जाओ, तो हमारे देश के लिए, प्यारे हिंदुस्तान के लिए, प्यारे भारत के लिए दुआ मांगना, अमन चैन की दुआ मांगना। नाज़रीन गिरामी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जो भी ग्रुप आपके पास अवेलेबल है। और साथ में नाज़रीन गिरामी, हम सब की यही दुआ है सियाब भाई के साथ कि सियाब भाई के किसी भी तरह की सियाब भाई को तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ या पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इसके बाद इराक, ईरान, कुवैत, फिर जाके सियाब भाई सऊदी अरब पहुंच पाएंगे, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। लेकिन अपने रब को राज़ी करने के लिए और साथ में सियाब भाई ने हम नौजवानों को एक पैगाम दिया है कि आप अपने घर से अपनी नज़दीकी मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, लेकिन ये बंदा अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए इंडिया से पैदल चल के सऊदी अरब मक्का मदीना पहुँच रहा है। सो नाज़रीन गिरामी, आपने वीडियो में देखा किस तरह से सियाब भाई का वेलकम किया जा रहा था। जहां भी जाते हैं सियाब भाई, वहां जिस लोकेशन पे पहुंचने वाले होते हैं सियाब भाई, वहां 2 घंटे पहले से लोग, 4 घंटे पहले से लोग सियाब भाई को देखने के लिए, सियाब भाई की मोहब्बत में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आपने वीडियो क्लिप में देखा, कहीं फूलों की बारिश की जा रही है, कहीं फूलों की चादर बिछा दी जाती है सियाब भाई की मोहब्बत में। और साथ में सियाब भाई जिस भी होटल में, जिस मस्जिद में क्याम करते हैं, वहाँ हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। सियाब भाई को भी मना करना पड़ जाता है, प्लीज़ आप इकट्ठा मत हो, मैं आराम करने के लिए रुका हूँ, आप प्लीज़ अपने घर चले जाओ वापस। नाज़रीन गिरामी, आपने वीडियो क्लिप देखी, मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगा। अगर पसंद आई वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।